नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी लोगों को आंगनबाड़ी से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्मार्टफोन पर ऑनलाइन काम करने से इनकार कर दिया गया है। जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काफ़ी परेशान है ऑनलाइन काम को लेकर, चाहे वो पोषण ट्रैकर ऐप हो या फिर पोषण अभियान का जो ऑफिशियल वेबसाइट हो, ऊपर से आंगनबाड़ी सेविकाओं को दबाव दिया जा रहा है। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में बहुत सारी नए नए अपडेट आ चुके हैं, तो उसमें काम भी बहुत सारा जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो पोषण अभियान चल रहा है, इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के वेबसाइट पर जाकर फोटो अपलोड करना, डाटा अपलोड करना, ये सारी जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एक साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया है। बहुत सारे रीज़न हैं जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं परेशान हैं, ना तो उनको समय पर रिचार्ज का पैसा दिया जा रहा है और ना ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मोबाइल दिया गया है वो ठीक ढंग से काम कर रहा है। कहने का मतलब है जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनका समस्या कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस काम को करने से इनकार कर दिया है। तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि ये न्यूज़ कहाँ की है, कहाँ की आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। हालांकि सभी राज्यों में इस प्रकार की जो परेशानियां हैं, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं इस प्रकार की परेशानियों से जूझ रही हैं। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, खबर को पूरी विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आप सभी लोग बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्मार्टफोन पर ऑनलाइन काम करने से इनकार कर दिया है। देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड से ये न्यूज़ आ रही है, जहाँ पर नैनीताल में आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा काम करने से इनकार किया गया है। और जैसे कि मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आंगनबाड़ी सेविकाएँ मोबाइल फ़ोन वापस लौटा रही हैं, उसमें भी बहुत सारे रीज़न थे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन कार्य बहिष्कार कर दिया है, जिससे विभाग की पोषण गतिविधियाँ प्रभावित हो रही है। महिलाओं का कहना है कि विभागीय अधिकारी दबाव बना रहे हैं, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आंगनबाड़ी सेविकाएं काफ़ी आक्रोशित हैं, जो कि विभागीय स्तर से इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन की अध्यक्ष हेमा लोहिनी ने बताया कि लंबे समय से उन्हें मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कराने के लिए रुपए भी नहीं दिया गया है, जिससे वह हर तरह से ऑनलाइन कार्य करने में असमर्थ हैं। देखिए, मोबाइल फ़ोन के लिए सेविकाओं को जो 200-250 रुपये दिए जाते हैं, वो भी इनको समय पे नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जो भी ऑनलाइन कार्य है वो समय पर नहीं कर पा रही हैं। कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं किया गया, जिसका असर है कि महिलाएं चाहकर भी ऑनलाइन कार्य नहीं कर सकती हैं। इसी के चलते आंगनबाड़ी महिलाओं ने ऑनलाइन कार्य करने का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, जो भी ऑनलाइन कार्य होता है जिसमें रिचार्ज कराना ज़रूरी है, जिससे कि ऑनलाइन कार्य हो सके, तो इनको वो भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। जैसा कि देखिए, इन लोगों के द्वारा जो ऑनलाइन कार्य बहिष्कार कर दिया गया है, इससे जो पोषण माह का जो कार्य चल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ज़िले में कार्य का बहिष्कार करने से ज़्यादा असर पोषण माह पर पड़ रहा है। 1 से 30 सितंबर तक विभाग की ओर से पोषण माह का आयोजन किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र के पोषण का डाटा नियमित रूप से अपडेट करना था, लेकिन कार्य बहिष्कार के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुछ आवश्यक कार्य का ऑफलाइन माध्यम से ही कर रहे हैं। तो देखिए, ऑनलाइन कार्य तो नहीं कर रही हैं, जो भी कुछ आवश्यक कार्य हो रहा है वो ऑफलाइन के माध्यम से ही किया जा रहा है। तो ऑनलाइन कार्य ना करने से पोषण माह के जो कार्यक्रम है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और देखिए,
एक और भी बड़ी वजह है जिससे कि कार्य को बहिष्कार किया गया है। जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनको मानदेय भी कम दिया जाता है और उसमें काम भी बहुत ज़्यादा आप लोगों से कराया जाता है। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य बहिष्कार की एक और बड़ी वजह मानदेय का कम होना भी है। वर्तमान में महिलाओं को 5,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जबकि आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन अध्यक्ष हेमा लोहिनी ने मांग की है कि उन्हें न्यूनतम मानदेय दिया जाए जिसमें 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाए, जिसके लिए सरकार से मांग की गई है। तो जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, जो भी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो कार्य बहिष्कार करके उनका जो मांग है वो अपना मांग को सरकार के समक्ष रख रही हैं कि हमें इस प्रकार से जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। एक तो मानदेय भी कम है, ऊपर से जिम्मेवारी बहुत सारी आप लोग हमें दे रहे हैं, तो हम लोग कार्य किस प्रकार से करेंगे। तो यही सारी वजह है जिसके कारण आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा ऑनलाइन कार्य करने का बहिष्कार किया गया है। तो देखिए, जिस प्रकार से अध्यक्ष हेमा लोहिनी ने मांग की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाए, तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं का काम भी आसान हो जाएगा और आंगनबाड़ी सेविकाएं भी अपना मन लगा के आंगनबाड़ी का जो भी कार्य सौंपा जाएगा वो आसानी से कर पाएंगी। तो आप लोगों का इसमें क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल दिया जा रहा है तो उसमें भी काफ़ी सुधार होना चाहिए, जैसे कि अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन भी मिलना चाहिए, जिससे कि जो ऑनलाइन डाटा फीडिंग है या पोषण ट्रैकर ऐप से जो भी कार्य हो रहे हैं सही ढंग से हो पाए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।